नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिलहाल खबर के पीछे की खबर, खबर यह है, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की सेक्शन 7 का उपयोग करते हुए आरबीआई को निर्देश दिए कि वो मार्केट में जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसे खत्म करे। देश आजाद होने से आज तक पहली बार सेक्शन 7 का उपयोग किसी सरकार ने किया है। सेक्शन 7 का उपयोग कर सरकार ने आरबीआई को डायरेक्ट आदेश दिए कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो कमजोर बैंक्स हैं, उन्हें तुरंत नकदी दी जाए ताकि मार्केट में जो नकदी की किल्लत है उसे निजात पाए। इसके पहले सेक्शन 7 का उपयोग सरकार तब करती है जब आरबीआई में और सरकार में बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार और आरबीआई के बीच में तनातनी शुरू हुई, उसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं था कि सेक्शन 7 के तहत वह सीधा आरबीआई को आदेश दे। खबर के पीछे की खबर यह है, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक जो होती है वह इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। सरकार अपनी नीतियों पर काम करता है और बैंक पूरे देश के अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास करती है। पूरे विश्व में कहा जाता है कि यदि देश की सेंट्रल बैंक सरकार के अधीन काम करना शुरू करे तो फिर जो एक अंकुश होता है सरकार के ऊपर वह समाप्त हो जाता है और फिर आर्थिक अराजकता की शुरुआत होती है। जब से नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाली तब से आज तक आरबीआई और सरकार के बीच में कभी समन्वय हुआ ही नहीं। जब रघुराम राजन को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया तब देश को लग रहा था कि विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इस देश में आया है तो कुछ अच्छा करके जाएगा। लेकिन रघुराम राजन आर्थिक मापदंडों के हिसाब से आरबीआई चला रहे थे और सरकार अपने मनमानी तरीके से अर्थनीति चलाना चाहते थे। दोनों में टकराव हुआ, रघुराम राजन छोड़ के चले गए। उसके बाद उर्जित पटेल को सरकार ले आए। ये दोनों गवर्नर सरकार की चॉइस थी, लेकिन उर्जित पटेल भी अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर्स है उसी के हिसाब से आरबीआई चलाने का प्रयास कर रहे थे और फिर सरकार अपने हिसाब से काम करना चाहती थी। फिर टकराव हुआ और अंत में सरकार को सेक्शन 7 का उपयोग करना पड़ा। आरबीआई बार बार ये कहती है कि सरकार की जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं उसके चलते देश पे इतना वित्तीय बोझ बढ़ेगा कि फिर आरबीआई भी उसको कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं रहेगी। नोटबंदी और जीएसटी के गलत प्रारूप के चलते इस देश में लिक्विडिटी क्रंच शुरू हुआ। रघुराम राजन बार बार इन दोनों चीजों के लिए सरकार को आगाह करते रहे, लेकिन सरकार अपने हिसाब से चलती रही। जब अब लिक्विडिटी क्राइसिस आ गए हैं तो सरकार आरबीआई पे दबाव डाल रही है कि जो कमजोर बैंक है उन्हें और पैसा दिया जाए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए लिक्विडिटी और दी जाए और जो छोटे उद्योग है उसको भी सरल कर्जा मिले। लेकिन आरबीआई बैंकों के एनपीए से डरी हुई है। आरबीआई बार बार सरकार को आगाह कर रही है, जितना कर्ज बटेगा उतना ही एनपीए बढ़ेगा। मुद्रा लोन को लेके भी आरबीआई बहुत कॉशियस है। आरबीआई की रिपोर्ट ये बार बार कहती है कि मुद्रा लोन के तहत दिए गए सारे कर्जे एनपीए हो सकते हैं। यदि लगातार ऐसे ही एनपीए बढ़ते रहे और लगातार आरबीआई ऐसे ही कैश कमजोर बैंकों को देती रही, उस स्थिति में इस देश में इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये सरकार को देखना है, उन्हें देश को बचाना है या लोक लुभावन योजनाएं बता बता कर और लोगों को पैसा बांट कर 2019 में सत्ता में वापस आने का रास्ता ढूंढना है। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।